नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण करेंगी। साथ ही कोलकाता स्थित राजभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों ने उनके किसी कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया। पहले लोकसभा में और फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करके साफ संकेत दे दिया है। तो वही इंडिया गठबंधन का दावा है कि दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा रहता है और उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आशातीत सफलता मिलती है तो इसका असर भी इंडिया गठबंधन के हक में सकारात्मक होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित थे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ के अलावा दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। हालांकि आपके साथ गठबंधन करने पर किसी भी नेता ने खुलासा नहीं किया। चंद्रयान 3 बुधवार को चौथी बार कक्षा बदली गई और वह चंद्रमा की कक्षा में 5वें और अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। यह चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। इसके साथ ही अब लैंडर को डीबूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया किया जाएगा ताकि उसे एक कक्षा में स्थापित किया जा सके। मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चर्चित वंदे भारत ट्रेन के 2 नए वर्जन वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो लाने की तैयारी में है। सूत्रों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के 2 नए वर्जन वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर के लिए चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन तैयार करने में जुटी है। कैबिनेट समिति ने लगभग 32,500 करोड़ रुपए की लागत पर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर टमाटर मुहैया कराने के लिए सरकार अन्य घरेलू उत्पादक राज्यों के साथ नेपाल से टमाटर आयात कर रही है। इसमें से 5 टन नेपाली टमाटर भारत पहुंच चुका है जिसकी बिक्री गुरुवार 17 अगस्त यानी आज से उत्तर प्रदेश में 50 रुपए प्रति किलो के भाव की जाएगी। 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हार्दिक की फिटनेस से लेकर उनके टेस्ट क्रिकेट खेलने पर अपनी राय रखी है। कपिल देव के अनुसार हार्दिक पंड्या बहुत फिट हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। पंजाबी कनाडियन सिंगर रैपर ने मुंबई में देर रात अपनी आने वाली वेब सीरीज एपी ढिल्लन फर्स्ट ऑफ ए काइंड की स्क्रीनिंग रखी। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन जगत के कई सितारे पहुंचे, जिसमें सलमान खान की एंट्री और मृणाल ठाकुर के लुक ने सारी लाइमलाइट खींच ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।